हरिओम, श्री राम अंबज्ञ। मेरा नाम रघुनाथ सिंह चावरे है। मेरा उपासना केंद्र धैरी पुणे से है। मैं तकरीब ऐसा तो बापू के पास 2006 में, जब मैंने पहला मेरा पितृगांव छोड़ के मैं पुणे की तरफ आ रहा था, तभी मेरे चाचे ने मुझे त्रिविक्रम लॉकेट पहनाया था कि तुम सफ़र करे हो, लंबा सफ़र है, ये सुरक्षा के लिए तुम्हारे लिए काम आएगा। तब से मैंने गले में पहन दिया, सब हो गया, मैं पुणे में आ गया और जॉब करने लगा। तो 2006 के आसपास मेरे मम्मी जी का फ़ोन आया था कि हम सब पुणे आ रहे हैं, शिवाजी नगर में हम आपको मिलेंगे, तो हमसे मिलने आओ। मैं ठीक है बोला। मेरे मिसेस और मेरी छोटी बेटी, ऐसा है कि हम शिवाजी नगर पहुंच गए, यहाँ पे बापूजी का उपासना केंद्र है, मॉडल कॉलेज। तो फर्स्ट टाइम मैं जब वो मॉडल कॉलेज में गया, फिर उनको मम्मी से फ़ोन पे बात की कि आप कहाँ पे हो, तो उन्होंने बोला कि बापूजी का प्रोग्राम चालू है, वहाँ पे आ जाओ। तो जैसा मैंने देखा, पहले बापू की तस्वीर देखी, जो तस्वीर देख के मुझे एक एहसास हो गया कि उनका जो मुखमंडल पे जो तेज है, वो तेज देख के मुझे बहुत हर्षित हो गया। मैं बोला ये सदगुरु चीज़ बहुत अलग है, क्यों तो जो तेज दिख रहा है, नॉर्मली सब मनुष्य के, सामान्य मनुष्य के चेहरे के ऊपर ऐसा तेज दिखता नहीं, लेकिन वो तेज देख के मैं बहुत खुशी भी हो गई। मैं बोला नहीं, ये इनके पास जाना अपना काम है, इधर तो जाने के लिए मैं तैयार हो गया था। एक दो उपासना अटेंड किया मैं वहाँ पे, लेकिन हर सैटरडे मुझे जाना पॉसिबल नहीं होता था, क्यों तो मैं रहता था धैरी में और शिवाजी नगर में, काम करके आना और 6 बजे 6:30 बजे ट्रैफिक में आना जाना थोड़ा तकलीफ़ होता था। फिर मेरा जो मेरी बेटी जो है, जो 7 साल की हुई, तो उन्होंने बोला कि भरतनाट्यम के लिए हम क्लास लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो उधर ही मैं जहाँ पे रहता हूँ धैर्य में, वहीं पास में रुजुताई गोखले बोल के एक मैडम थे, उनके पास हम गए थे भरतनाट्यम क्लास का एडमिशन लेने के लिए। जैसे ही उनके मैं घर में, हम बंगले में गए, तो बापूजी की तस्वीर देखा। अरे बोला ये तो आश्चर्य है, ये बापू अपने तरफ खींच रहा है मुझे, यही एहसास हो गया था। फिर एडमिशन का हो गया, फिर हमने उनसे पूछा कि बापूजी का तस्वीर कैसा है, तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, हम बापूजी से बहुत सालों से करते हैं। तो मैंने भी बोला मेरी बुआ बहुत सालों से करती है, अभी मेरी मम्मी चाची भी करते हैं, तो इधर उपासना केंद्र का है। वो बोला हमारे घर में उपासना केंद्र है। मैं सोने पे सुहागा हो गया। मैं बोला 2 मिनट का चलने का रास्ता था, हमने तुरंत हाँ भर दी। नेक्स्ट सैटरडे से हमने उपासना ज्वाइन की, वो जो 2000, मेरे ख्याल से 2013 का था। तो उपासना जो सेवा मेरे हाथ से घटती थी, मैं करता था, वो सब होता था। लेकिन जब ज़िंदगी के सफ़र में जैसा जैसा आगे बढ़ते हैं, बापू ने बोला था कोई भी समस्या आएगी जीवन में, प्रारब्ध के हिसाब से आप जो भी कुछ भोगे वो आप मनुष्य को भोगना ही है। ऐसे ही बीच में चलते 2019 में सबसे मेरा बुरा वक्त तो नहीं बोलूँगा, क्यों तो बापू जी तो मेरे साथ थे, फिर भी मेरा जो प्रारब्ध के वजह से मेरी जो समस्या थी वो बहुत बड़ी समस्या थी कि मेरी नौकरी चल गई या मुझे नौकरी किस कारण छोड़ना पड़ा। तो छोड़ने से कारण घर में एकदम शॉक लगा, सदमे में गए सब, मतलब कमाता घर में मैं, वैसा तो मिसेज भी करती है, लेकिन जो जो आर्थिक सोर्स था वो सबसे ज़्यादा मेरा ही था, तो सब सदमे में गए, मतलब आगे तू क्या करेगा। मैं बोला मैं बापूजी के तस्वीर के पास गया, मेरे घर में त्रिविक्रम भी है बापू का, उधर उधर बोल दिया, बापू जो भी कुछ है मैं तेरे ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, तू जहाँ भी लेके जाएगा मैं तेरे साथ आऊँगा। और मुझे पक्का विश्वास था कि बापूजी कभी भी मेरा बुरा नहीं करेंगे, यही मुझे बापू ने एक बार बोला था, मी तुला कधीच टाकणार नाही, जे जे मजसाठी उचित तेची तू देशील खचित, ये सब ध्यान में रखते गया, उनका नामस्मरण करते गया। 2.5 साल गया, मैंने कभी भी मेरे मन में या मस्तिष्क में, बुद्धि में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी ये अनुभव। क्यों तो ऐसे सिचुएशन में रोज पेपर में या न्यूज़ में आते थे कि सुसाइड का केसेस ज़्यादा हो गए थे नौकरी जाने के वजह से, और उसके ऊपर भी सबसे हाइट मेरे ऊपर, सर के ऊपर 6 लाख का लोन था। मैं बोला बापू ये लोन तो मुझे चुकाना ही है, वो तो माफ़ नहीं होगा, तुम माफ़ करोगे लेकिन बैंक वाले माफ़ नहीं करेंगे, रास्ता तो निकलना चाहिए लोन फेड़ने के लिए। मैंने बापू को बोला ऐसे ऐसे ये समस्या है,
तो फिर मैंने दादा से बात की थी, फ़ोन लगाया दादाजी को, दादा ऐसा ऐसा है, मेरी नौकरी चली गई और मेरे ऊपर आर्थिक ऋण है, तो मैं उसको कैसा मैं चुकाऊंगा। तो दादाजी ने मुझे तीन बातें बोल दी, तू ये चालू कर, तुझे जो पहली वाली नौकरी है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, दादा ने जो दादा बोले तो साक्षात अनिरुद्ध बापूजी ही बात करते हैं उनके तरफ से। तो ठीक है दादा, अंबद ने बोला, फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन से मैंने चालू किया, सब चलते चलते गया, जो नौकरी मिलती, छोटी मोटी पगार कितना है वो मैंने देखा नहीं। घर में बैठने के बजाय काम में रहना अच्छा है, ये तो खाली दिमाग शैतान का होता है। ये बात ध्यान पे रखकर जो नौकरी मिली, जैसा मिली, जो करते गया, ये एक 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 उनके एक 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 शब्द वाक्य मुझे याद आते रहे। यही मैं अपने मस्तिष्क में रख के आगे का मेरा प्रयास प्रवास दोनों चालू रखता। फिर एक तरफ से मुझे हेल्पिंग आ गया, एक मेडिएटर मुझे मिल गया कि तू बोला तेरा लोन का मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तू मुझे इतना पैसा दे। ठीक है बोलो, अभी पैसों के लिए मैं कोशिश चालू किया। अभी 5 लाख रुपए इकट्ठा करना, ये तो एक आदमी के तरफ से मिलना इम्पॉसिबल था, वो भी कोविड के सिचुएशन में। बहुत सारों को लोगों का नौकरी चला गया, जो भी कुछ है, लोग पैसा देने के लिए भी डर रहे थे कि भाई मैं पैसा दे दूंगा लेकिन वापस कब करेगा, ये एक सोच भी रहते हैं इंसान की। उन फिर भी मैं नाराज़ नहीं हो गया। मेरा एक बुआ का बेटा है जो बापू भक्त है, उससे मैंने बात की थी, ऐसा ऐसा है तो कैसे करेंगे। ठीक है बोला, तू फिर चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर सबने उसने अपना दोस्त है, जितने भी रिश्तेदार है, सबको फ़ोन किया। फिर जो भी कुछ है, 2-2.5 लाख रुपए जमा हो गए। फिर मेरे सिस्टर के जो यानी मेरे जीजा के, उनके भाई से भी मैंने बात की थी, तो उन्होंने भी मुझे पैसा देने के लिए राजी हो गया। ये 5 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये 2.5 साल में एक भी बैंक वाला मेरे दरवाजे पे आया नहीं, उन्होंने कभी मुझे फ़ोन किया नहीं। वो वसूली का जो एजेंसी होता है, उसका एक भी आदमी, एक दो बार आ गया फ़ोन, नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, फिर भी जो प्रेशर रहता है, जो उनका टॉर्चर रहता है, वो टॉर्चर मुझे नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। फिर वो समस्या भी मैं बाहर आ गया। फिर भी और एक समस्या थी कि भाई मेरी नौकरी, क्यों, तो बेटी बड़ी है, 10th क्लास में उसका एग्ज़ाम हो गया, उसका अभी अगले 11th के लिए एडमिशन लेना है, मेरे पास नौकरी नहीं थी। और बेटा भी है, वो भी अभी 5th क्लास से आगे 6th क्लास में जाएगा। तो फिर मैं फिर भी चालू रखा, मैंने बापू के ऊपर जो छोड़ने के बाद मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ला। फिर भी घर में बोलते थे यार तू कुछ तो कर, कुछ तो कर। मैं बोला मैं कुछ तो करने कर रहा हूँ, मैं करने नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन बापूजी जब देंगे तब मैं ले लूँगा, तब तक मैं नहीं लूँगा। फिर एक ही दिन ऐसा ही काम कर रहा था मैं, दोपहर में तकरीबन 2-2.5 बजे मुझे फ़ोन आया, जो मेरी पहली वाली कंपनी थी, PCI पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, तो तुम करने के लिए राजी है क्या, आप कर सकते हो क्या। मैंने तुरंत हाँ कर दी। दादाजी का, परम पूज्य सुचित दादा का वो शब्द मुझे याद आ गया कि तुझे पहली वाली नौकरी मिलने वाली है, तो मैंने तुरंत हाँ भर दी। 23 मई 2022 को मैं वहाँ पे ज्वाइन हो गया। ये मेरा ये जो जीवन सफ़र है, ये 2006 से लेके अभी तक, सबसे ये 2-2.5 साल बहुत कठिन प्रसंग थे। अगर बापूजी नहीं रहते थे तो आज मैं ये कुर्सी पे बैठा हुआ नहीं दिखता था। इतना ये था कि मैं बहुत टूट गया हुआ था, इंसान था, फिर भी बापू के ऊपर मैंने विश्वास जो रखा, विश्वास ये बहुत बड़ी चीज़ है। बापू जी बोलते हैं जो भी कुछ है विश्वास से करो, भगवान आपको दे देगा, भर भर के देगा। विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए, नाम स्मरण कभी रुकना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। हरिओम श्री राम अम्बज्ञ नाथ संवित, नाथ संवित, नाथ संवित।